कुलचन एक किसान है। हर रोज सुबह उठते ही खेत में जाकर अपना काम शुरू कर देता था। कुलचन बहुत ही गरीब था, इसीलिए उसे खेत में हल चलाने के लिए ना तो उसके पास बैल थे ना ही ट्रैक्टर था। इसीलिए वो खुद ही अफजरों की मदद से खेत में काम कर लेता था। ऐसे खेत में बीज डालकर उस फसल से अपना गुजारा करता था। कुलचन की पत्नी का नाम सुनीता है और उनके बेटे का नाम नितेश है। नितेश स्कूल खत्म होते ही सीधे अपने पिता के पास जाकर खेत में उनकी मदद करता था और सुनीता घर में ही रहकर घर के और रसोई के काम कर लेती थी। ऐसे ही एक दिन, माँ आज हमारा स्कूल नहीं है, मैं भी खेत जाकर पिताजी का मदद करता हूँ। वो सुबह उठकर चले गए थे और अकेले ही मेहनत कर रहे हैं। ठीक है बेटा, वो सुबह बिना कुछ खाए ही चले गए थे, मैं टिफिन बांध कर देती हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ। ठीक है कहकर टिफिन बांधने तक इंतजार करके टिफिन लेकर जाते वक्त रास्ते में उसे एक गाय भूख की वजह से चिल्लाते हुए नजर आती है। वो देखकर, अरे ये इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है? शायद बहुत तेज से भूख लगी है। पिताजी का खाना रख कर अपना खाना इसे दे देता हूँ। ये कहते हुए वो अपना टिफिन उस गाय के सामने रख देता है। वो गाय सारा खाना जल्दी जल्दी से खा लेती है। उसके बाद से वो नितेश का पीछा करने लगती है। नितेश उससे कितना बचने की कोशिश करने पर भी उससे पीछा नहीं छुड़ा पाता। नितेश के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए उसे भी अपने साथ खेत में लेकर जाता है। ये किसकी गाय है बेटा, यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये मुझे रास्ते में दिखी थी पिताजी, ऐसे ही थोड़ा खाना दे दिया था, तब से ये मेरा पीछा कर रहा है। शायद इसे इसका मालिक ने छोड़ दिया है बेटा, इसीलिए खाने देने पर ये तुम्हें ही मालिक समझ रही होगी। अब हम इसका क्या करें? इसे अपने साथ रख लेते हैं पिताजी, ये मुझे बहुत पसंद है, इसे अपना घर लेकर जाते हैं। अपने बेटे की बात का इनकार नहीं किया पाता कुलचन, इसीलिए उस गाय को अपने साथ लेकर जाता है। उसे चिट्टी कहकर नाम देते हैं। सुनीता को भी वो गाय बहुत पसंद आती है, लेकिन वो तबीयत खराब होने की वजह से वही गिर जाती है। अयो ये गाय तो बहुत कमजोर लग रही है, पता नहीं कितने दिनों से भूखी है, इसे बहुत ही अच्छा खाना देना होगा और बहुत ख्याल रखना होगा। ये कहते हुए उसे बहुत ही प्यार से रखते हैं और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। उसकी तबीयत ठीक होने तक एक काम भी नहीं करवाते उस गाय से। उनके पास खाने के लिए कुछ भी ना होने पर भी उस गाय के लिए ताजा घास खरीद कर लाकर देते थे। कुछ दिनों में वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। माँ चिट्टी अब पूरी तरह से ठीक हो गई है, देखो तो कितनी अच्छी लग रही है। हाँ बेटा, चिट्टी अब पूरी तरह से ठीक हो गई है, लेकिन अपने खेत का काम बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है और हाथ में एक भी पैसा नहीं है, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो बातें सुन रही गाय एकदम से एक विशाल गाय में बदल जाती है। मैं एक मायावी गाय हूँ, मैं यहाँ पर इंसानों की परीक्षा लेने के लिए आती हूँ। जब मैं यहाँ आई हूँ तब से आप सब बिना स्वार्थ के मुझे बोझ समझ ही बिना सारा परिवार मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा है। मैं आपके प्यार और परवाह करने से बहुत ही खुश हूँ, आओ मेरे साथ। ये कहते हुए वो गाय तीनों को जंगल में लेकर जाती है, जहाँ पर मिट्टी से बना हुआ एक बहुत ही बड़ा गाय घर था। उतना बड़ा गाय का घर देखकर हैरान हो जाता है सुनीता, कुलचन और नितेश। यही मेरा घर है, अंदर जाकर तुम्हें जो चाहिए जितना चाहिए उतना सोना चांदी ले लो और इस घर के दरवाजे
आपके लिए हमेशा खुली रहेंगे। कभी भी आ सकते हो यहाँ। ये कहते हुए उन्हें अंदर भेजते हैं। अंदर से वो सारा घर सोने से बना हुआ था। उस घर को देखने के लिए उन्हें उनकी दो आंखें बस नहीं हो रही थी, लेकिन कुलचंद उन्हें जितना जरूरी था उतना ही लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। लालच किए बिना तुम्हें जितनी जरूरी था उतना ही लिया है। मेरी मदद करने के लिए मैं तुम्हारे अब भी आभारी हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारे खेत में कुछ दिन काम करके तुम्हारा थोड़ा सा एहसान करना चाहूँगा। ये कहते हुए वो गाय एक विशाल गाय में बदल कर कुलचंद के सारे खेत को एक ही बार साफ कर देती है। ऐसे कुलचंद की फसल भी अच्छी हो रही थी और कमाई भी अच्छी हो रही थी। उसके बाद वो गाय काम खत्म होने के बाद आसमान में उड़कर चली जाती है। तब से बहुत अच्छे से रहने लगते हैं कुलचंद और उसके परिवार वाले, और हमेशा दूसरे गरीब लोगों की मदद करते हैं। प्रगति नगर नाम के गांव में विन्नला नाम की एक महिला अपने बेटे राजू के साथ मिलकर रहती थी। जब से राजू के पिता की मौत हुई थी, तब से विन्नला ही उसकी हर तरह से परवरिश कर रही थी। ऐसे अपने बेटे को पालने के लिए और उसे पढ़ाने के लिए लोगों के घर जाकर वो जो भी काम देते थे चुपचाप वो काम कर लेती थी, और ऐसे ही काम करते करते गांव गांव फिरती थी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। गांव पहुँचने में और काफी समय लगेगा, तब तक हम कुछ खा लेते हैं ना माँ? राजू अभी छोटा था, इसीलिए वो जहाँ भी काम करने के लिए जाती थी उसे भी अपने साथ ले जाती थी। ठीक है कहकर वो दोनों खाने के लिए एक जगह पर रुकते हैं। इतने में पता नहीं कहीं से उन्हें किसी के कांपने की आवाज आती है। माँ, किसी के रोने की आवाज आ रही है। नहीं बेटा, मैं हूँ ना, मैं जाकर देख कर आती हूँ, तुम खाते रहो। ये कहते हुए उस शब्द का पीछा करते हुए जाती है वेनिला। राजू वहाँ बैठ नहीं पा रहा था, इसीलिए वो भी उसके पीछे पीछे जाता है। वहाँ पर जाकर देखा तो एक पूरी तरह से खराब हुए घर में एक बूढ़ा आदमी लेटकर कांप रहा था। अयो, कौन हो आप और इस कांधा जैसे घर में क्या कर रहे हो? भूख, मुझे बहुत भूख लग रही है। पीछे से उन्हें देख रहा राजू भागकर जाकर वो जो अपने लिए खाने के लिए खाना लाए थे वो खाना लाकर उस बूढ़े आदमी को दे देता है। इसे लीजिए दादाजी, आपकी थोड़ी सी भूख कम होगी। गांव से इतनी दूर अकेले इस पुराने घर में रह रहे हैं, इसका मतलब इनका कोई नहीं है। तुमने ये खाना लाकर अच्छा किया बेटा। मैं घर पहुंचाते ही तुम्हारे लिए खाना बना कर दूंगी, ये सारा खाना उन्हें दे दो। अगर सच में इनका कोई नहीं है तो ये कल से क्या खाएंगे माँ? इन्हें अपना घर लेकर जाते हैं ना माँ? जितनी देर में ये दोनों चार शब्द बात कर रहे थे उतनी देर में वो बूढ़ा आदमी सारा खाना खा लेता है। अपने पास ही रहने के लिए घर नहीं है बेटा, इन्हें ले जाकर कहाँ रहेंगे? एक काम करते हैं, हम रोज यहीं पर आकर इन्हें खाना देकर जाते हैं, ठीक है ना? क्या मुझे रोज खाना लाकर दोगे? फिर से सोच लो बेटा, एक बार मुझे जुबान दे दी तो फिर पीछे नहीं हट सकती हो तुम। मैं कभी भी अपनी बात से नहीं मुकरती दादाजी। जब मैं आपको खाना लेकर दे सकती हूँ तब मैं लाकर देती रहूंगी। उनकी बात पूरी होने से पहले ही वो बूढ़ा आदमी एक बड़े से दानव में बदल जाता है। वो देखकर हैरान हो जाते हैं विन्नला और राजू। अब बताओ,
तुमने मुझे रोज खाना लाकर देने का वादा किया था ना, कितना खाना लाकर दोगी? अपनी बात से मुकर गई तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं अपनी बात के मुताबिक तुम्हें खाना लाकर दूंगी। ये कहते हुए दोनों माँ बेटा वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह वेनेला एक रेडी भर का खाना और करी लेकर जाती है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी जो कि दानव है एक झटके में सारा खाना खा जाता है। अगले दिन सुबह घर में जितना भी चावल है सब पकाकर लेकर जाती है और बूढ़ा राक्षसी दानव वो खाना भी एक ही झटके में खा लेता है। माँ, उन बूढ़े दादाजी ने एक ही झटके में पूरे महीने का खाना खा लिया है। अब घर में चावल का एक भी दाना नहीं है, उन्हें अब क्या लेकर दे देंगे? मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करने के लिए और किसी को जुबान देने के बाद हमें अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचना चाहिए बेटा। ये कहते हुए अगले दिन एक टोकरी भरकर रोटियां बनाकर लेकर जाती है। उन रोटियों को भी एक ही झटके में खा लेता है वो बूढ़ा आदमी। क्या है ये रुका सुका खाना? अगर तुम मुझे मेरी पसंद का स्वादिष्ट खाना लाकर दोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारी बात से मुक्त करके आजाद कर दूंगा। वहाँ से घर लौटने के बाद वेनेला उसे ऐसा क्या बना कर दूं? ये सोचते हुए काफी परेशान होती है। तब राजू, माँ पानी पूरी वाला आया है, मैं खाकर आता हूँ, ठीक है ना? वो बातें सुनते ही वेनेला को एक बहुत ही अच्छा ख्याल आता है। ये बूढ़ा आदमी गांव बाहर खानदान जैसे घर में रहता है, इसका मतलब वो इस जमाने का तो नहीं हो सकता है और उसे इस जमाने की पानी पूरी के बारे में तो हरगिज पता नहीं होगा। कल वही दूंगी उसे। ये कहते हुए बहुत सारी पानी पूरियां बनाकर उस बूढ़े आदमी के पास लेकर जाती है। वो पानी पूरी खाने के बाद उस बूढ़े आदमी को उसका स्वाद बहुत पसंद आता है, इसीलिए वो दोबारा से अपने इंसान रूप में आ जाता है। और उसके बाद, मैं अपनी इतनी लंबी जिंदगी में कभी भी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। मैंने तुम्हें इतना परेशान करने के बावजूद भी बड़े सब्र से तुमने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, इसीलिए मैं तुम्हें इनाम में अपना घर दे रहा हूँ। आज से तुम इस घर में रह सकते हो। ये कहते ही वो खानदार जैसा घर एकदम में बहुत बड़े खूबसूरत घर में बदल जाता है। मुझे ये खाना बहुत पसंद आया है, इसीलिए तुम इस खाने के साथ अपना व्यापार करो। इससे तुम्हें घर के बाहर इधर उधर भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहते हुए एक मैजिकल पानी पूरी की मशीन बनाकर वो बूढ़ा आदमी उस लोगों को देता है। इससे खाना बनाने की तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस बटन को एक बार दबाने से खाना अपने आप बन ले जाता है। अच्छे से व्यापार कर लो और दूसरे गरीब लोगों की भी मदद करना। ये कहते हुए वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। जब से वो उसी घर में रहते हुए उस पानी पूरी मशीन से निकलने वाले खाने से अच्छे से व्यापार करके पैसा कमाकर दूसरे गरीब लोगों को भी अच्छे से मदद कर रहे हैं।